तो आज हम किचन की एक ऐसी टिप्स लेके आए हैं जो बहुत काम की चीज़ है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए चलते हैं और शेयर करते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, रोज़ रोज़ के झंझटों से आप छुट्टी पा जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल लिया है कोल्ड ड्रिंक का, छोटा वाला बॉटल है, आप बड़ा नहीं लेना है इसको, बस मीडियम साइज लेना है। अगर आपके पास पेप्सी का हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो डीओ का बोतल हो ये ले लीजिए। तो इसको मुझे क्या करना है, चाकू गरम करके इसके पांचों कोनों को हमें जो है चाकू के मदद से कट कर लेना है। तो चाकू गरम करके कटना, तभी ये अच्छे से कटेगा। तो ये पांचों कोनों को देखो हम काट लिए हैं, और इसका हम करने वाले क्या हैं तो वो आगे वीडियो में देखना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने पाँचों कोनों को अच्छे से कट कर लिया है। तो अब चलिए इसके आगे क्या करना है वो भी हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैंने लिया है सीख वाली झाड़ू, जो बहुत झंझटी का काम है, ये ज़्यादा दिन बिल्कुल नहीं चलता है, लेकिन अगर हम इस तरह से इसको हम चलाएंगे तो साल दो साल तो क्या है, पाँच साल तक भी नहीं ख़राब होने वाला है। तो चलिए पहले इसके रिबन को हम काट लेते हैं, और इसके बाद इसको हमें करना क्या है वो भी हम दिखाएँगे, और ये जो तार है इसको हम कैंची से कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सीख निकाल लिया है, और ये बहुत जल्दी गीला हो जाता है, पानी में सड़ने लगता है, ये ज़्यादा दो से तीन महीने तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। लेकिन अगर आप इस तरह से यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा, साल दो साल पाँच साल तक चलेगा, ये आपको जल्दी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैंने पाँच कोना काटा है, तो मैं इसको पाँच भागों में बराबर बराबर इसको बांट लूँगी, इसको पाँच सीखों को। तो पाँच देखिए मैंने भागों में बांट लिया है, और इसके बाद अभी क्या करना है वो आगे हम वीडियो में दिखाएंगे। तो ये देखिए मैंने बराबर बराबर ले लिया है सीख को, और इसके बाद ये जो मैंने होल बनाया है पांचों, उसमें हमें डाल देना है बराबर बराबर। तो देखिए मैंने कितने आसानी से इसको जो है लगा दिया है, और इसके बाद और जो बीच का जो पोर्शन है उसको काटना नहीं है, बस कोने को ही जो कोना है वही बस काटना है, बीच का पोर्शन नहीं काटना है। तो देखिए मैंने इसको जल्दी जल्दी लगा दिया है, तो ये देखिए बढ़िया से लग गया है, लेकिन इसके बाद भी ये गिरेगा जब हम झाड़ू करेंगे। तो इसको हमें करना क्या है तो चलिए और दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे सीख को इकट्ठा लगा लिया है, और ये बहुत काम की टिप्स है, रोज़ रोज़ के झंझट से आप छुटकारा पा जाएंगे ये। तो चलिए मैंने यहाँ पे गैस को जला लिया है, अब इसके बॉटल को हम चारों तरफ से घुमा घुमा के अच्छे से सेक लेंगे, ताकि जो इसका प्लास्टिक है इसमें चिपक जाए सीख में। और इसको मतलब ज़्यादा देर तक गैस पर नहीं रखना, बस घुमा घुमा के इसको चारों तरफ जल्दी 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 करके सेक लेना है, ताकि जो सीख से जो है प्लास्टिक से सीख ना निकले, अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए मैं इसको घुमा घुमा के अच्छे से जो है इसको सारे जो है मैं सेक ले रही हूँ, और देखिए बोतल कैसे पिचकता जा रहा है, देखिए एकदम ये हाथ से पकड़ने लायक हो जाएगा। तो तब तक इसको आप सेकते रहिए इसको घुमा घुमा के। तो देखिए अच्छे से सीख गया है, अब हम ठंडे पानी से कपड़े को गीला करके बस इसको हम पोंछ देंगे। तो इससे क्या होता है, जब ठंडा हो जाएगा तो सीख और प्लास्टिक अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये देखिए चिपक गया है, अब ये आराम से झाड़ू लगा सकते हैं, पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं, और ये देखिए बढ़िया हाथ में पकड़ में आ रहा है। तो है ना कितना काम की टिप्स, और इसके बाद जो है हमें झाड़ू का जो आगे का पोर्शन है वो हमें काट देना, क्योंकि जब हम झाड़ू करते हैं ना तो आधा कूड़ा इधर जाता है आधा कूड़ा उधर जाता है। तो इसको हम चाकू की मदद से जो आगे का जो इसका पंखुड़ी है हम इसको कट कर देंगे, ताकि जो है ये सालों साल तक चले। तो ये देखिए मैंने काट दिया है, अब जो थोड़ा सा बचा खुचा है इसको मैंने कैंची से कट कर दिया है। तो ये देखिए एक बढ़िया सा शानदार मेरा सीख झाड़ू रेडी हो गया है। इसके आगे प्लास्टिक वाले जो आते हैं सीख वाले झाड़ू, वो बहुत बेकार होते हैं, इस सीख झाड़ू बहुत अच्छा होता है लेकिन बस चलता नहीं है। लेकिन आप इस तरह से आप यूज करेंगे तो चार पाँच साल तक चल जाएगा। तो देखिए हाथ में पकड़ में आ रहा है, और
चलिए इसका अभी हम झाड़ू लगा के भी दिखाएंगे, और सीक बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप चाहे जैसे इसको यूज करिए, चाहे इसको जो है पानी में भिगा के रखिए या कैसे भी रखिए, धूप में रखिए, अब ये निकलने वाला नहीं है सीक प्लास्टिक से। तो ये देखिए मेरा एक बढ़िया सा फर्स्ट क्लास झाड़ू बन के रेडी हो गया है, और बस अब तो मैं झाड़ू भी लगा के दिखाते हैं। तो इसमें अब एक सीक भी नहीं लगे निकलेगा झाड़ू करते समय, जैसे होता है ना हम झाड़ू करते हैं तो एक एक सीक निकल निकल के बिखर जाता है, तो अब ये झंझट आपका ख़त्म, अब बिल्कुल नहीं सीक निकलेगा। आप चाहे जैसे झाड़ू करिए, तो ये सीक जो है झाला मारने के लिए बहुत बढ़िया होता है। तो ये देखिए जाले भी अच्छे से साफ़ हो जा रहे, एक सीक भी नहीं निकला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी ऐसे न्यू टिप्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।